आइए आज हम लोग भारत की खोज से युगों का दौर पाठ पर चर्चा करेंगे। गुप्त शासन में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। गुप्त शासन काल में राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद, मौर्य शासन सत्ता की समाप्ति व भारत का नया रूप। आइए पाठ का सार देखते हैं। मौर्य साम्राज्य का अवसान हुआ और उसकी जगह सुंग वंश ने ले ली, जिसका शासन अपेक्षाकृत बहुत छोटे क्षेत्र पर था। दक्षिण में बड़े राज्य उभर रहे थे और उत्तर में काबुल से पंजाब तक बाक्ट्रिय या भारतीय यूनानी फैल गए थे। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र तक हमला किया, किंतु उनकी हार हुई। खुद मेनांडर पर भारतीय चेतना और वातावरण का प्रभाव पड़ा और वह बौद्ध हो गया। वह राजा मिलिंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बौद्ध आख्यानों में उसकी लोक प्रसिद्धि लगभग एक संत के रूप में हुई। भारतीय और यूनानी संस्कृतियों के मेल से अफगानिस्तान और सरहदी सूबे के क्षेत्र में गांधार की यूनानी बौद्ध कला का जन्म हुआ। भारत के मध्य प्रदेश में सांची के निकट बेस नगर में ग्रेनाइट पत्थर की एक लाट है, जो हेलियोदो स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। इसका समय ईसवी पूर्व पहली शताब्दी है और इस पर संस्कृत का एक लेख खुदा है। इससे हमें उन यूनानियों के भारतीयकरण की झलक मिलती है, जो सरहद पार आए थे और भारतीय संस्कृति को जब्ज कर रहे थे। कुषाण काल। मध्य एशिया में शक लोग ऑक्सस नदी की घाटी में बस गए थे। युईची सुदूर पूर्व से आए और उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर धकेल दिया। ये शक बौद्ध और हिंदू हो गए। युईचियों में एक दल कुषाणों का था। उन्होंने सब पर अधिकार करके उत्तर भारत तक अपना विस्तार कर लिया था। उन्होंने शकों को पराजित करके उन्हें दक्षिण की ओर खदेड़ा। शक काठियावाड़ और दक्षिण की ओर चले गए। इसके बाद कुषाणों ने उत्तर भारत पर और मध्य एशिया के बहुत बड़े भाग पर अपना व्यापक और मजबूत साम्राज्य कायम किया। उनमें से कुछ ने हिंदू धर्म को अपना लिया, लेकिन अधिकांश लोग बौद्ध हो गए। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क उन बौद्ध कथाओं का नायक है, जिनमें उसके महान कारनामों और सार्वजनिक कामों का जिक्र किया गया। उसके बौद्ध होने के बावजूद ऐसा लगता है कि राजधर्म का स्वरूप कुछ मिला जुला था, जिससे जरथुष्ट के धर्म का भी योगदान था। यह सरहदी सूबा, जो कुषाण साम्राज्य कहलाया, उसकी राजधानी आधुनिक पेशावर के निकट थी। तक्षशिला का पुराना विश्वविद्यालय भी उसके निकट था। वह बहुत से राष्ट्रों से आने वाले लोगों के मिलने का स्थान बन गया। यहाँ भारतीयों की मुलाकात सीदियनों, युईचियों, ईरानियों, बाक्ट्रिय यूनानियों, तुर्कों और चीनियों से होती थी। ये विभिन्न संस्कृतियाँ एक दूसरे को प्रभावित करती थी। इनके आपसी प्रभावों के परिणाम स्वरूप मूर्तिकला और चित्रकला की एक सशक्त शैली ने जन्म लिया। इतिहास की दृष्टि से इसी जमाने में चीन और भारत के बीच पहले संपर्क हुए और 64 ईस्वी में यहाँ चीनी राजदूत आए। उस समय चीन से भारत को जो तोहफे में मिले, उनमें आड़ू और नाशपाती के पेड़ थे। गोबी रेगिस्तान के ठीक किनारे किनारे तूफान और कूचा में भारतीय चीनी और ईरानी संस्कृतियों का अद्भुत मेल हुआ। धन्यवाद बच्चों, मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।